केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई अग्निपथ योजना के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह कर विरोध जताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सत्याग्रह करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत दुर्ग के हिंदी भवन के सामने शहर विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू शामिल रहे। धरना प्रदर्शन व सत्याग्रह के दौरान शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पूरे देश में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश का वातावरण बना है और युवाओं के साथ उन्होंने लगातार छल किया है। इन 8 वर्षों में 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, ये बात अपने घोषणा पत्र में कही थी। आज 8 साल हो गए, लगभग 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 16 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। अब सेना में भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 17.5 साल की उम्र में नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, वो भी 21.5 वर्ष तक, और जब रिटायर होंगे, भरी जवानी में रिटायर होंगे, 11 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये बताइए कि अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे। ऐसी सरकार के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस जन आंदोलित है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से, और सबकी निगाहें राहुल गांधी जी की तरफ है। सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व संभालें और युवाओं के भाग्य का फैसला वो करें, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के आने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में समाप्त हो चुके हैं। अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और जब जब कोई भी काला कानून केंद्र की भाजपा सरकार लाने की कोशिश करेगी, उसका पूरा जोर विरोध किया जाएगा। अग्निपथ योजना, जहाँ तक मैं समझा हूँ, न युवाओं के भविष्य की सुरक्षा है, न कोई रैंक है, न कोई पेंशन है, सिर्फ युवाओं के लिए टेंशन ही टेंशन है। इस योजना में 4 साल के बाद रिटायरमेंट, 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। जो युवा काल होता है वो बहुत ही प्रमुख होता है जीवन में, बिगड़ने का भी और सुधरने का भी। ऐसी योजना ला के 22-23 साल की उम्र के बाद युवा भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे, उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता रहेगी और वो गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो मैं अग्निपथ योजना का पूरा जोर विरोध करता हूं और सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं लिया जाता। रक्षा सेना में भर्ती के लिए निकाली गई अग्निपथ योजना के विरोध में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में रुआबाना में सत्याग्रह करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जहां दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा व पार्षद दल के साथ ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच शामिल हुए, जिन्होंने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में सत्याग्रह करते हुए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक व प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में अग्निपथ जो योजना केंद्र सरकार की है नरेंद्र मोदी के, उसके विरोध में ये सत्याग्रह का आयोजन किया गया है और इसको पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तरीय किया गया है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि इस योजना को वापस लो, क्योंकि 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनता। हम पुलिस की भी भर्ती करते हैं तो पूरा पुलिस बनने में 2 साल लगता है, सैनिक 6 साल से कम उनकी प्रशिक्षण नहीं होता। इतने वेपन हैं, इतने प्रकार के हथियार हैं, वो कैसे वो 4 महीना 6 महीना में प्रशिक्षित हो जाएगा, और 4 साल बाद जब आप नौकरी से निकालोगे तो करेगा क्या उसके भविष्य के सामने, क्योंकि 21 साल तो एक शुरुआत है, उस समय आप उसको सेवानिवृत्त कर रहे हो। ये सारी बातें हैं और इसीलिए हम लोग सत्याग्रह पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। ये भ्रमित करने की बात है, अदर सेक्टर में लिया जाएगा, शब्द मत करो ना,
आप केंद्र शासन के समस्त लाइन दे दो कि केंद्र शासन के समस्त कार्यालयों में अनिवार्य नियुक्ति दी जाएगी, ये शब्द कर दो तो मान लेंगे। कभी कोई नेता कहता है कि हमारे बीजेपी कार्यालय में रख लेंगे, कोई चपरासी चौकीदार बनाओगे उसको क्या डेली वेजिंग, जो सैनिक रिटायर हुआ है वो तो सम्मानित रहते हैं हम लोगों के, एक प्रकार से कहा जाए तो हमसे भी बड़ा उनका स्थान होता है। तो ये योजना युवकों के साथ धोखाधड़ी है, योजना युवकों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी है, इसको वापस